तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जानकारी के लिए बता दें, क्लास ट्वेल्थ इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2022 की जो परीक्षा है इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो 30 मार्च को होगा। अब उस पेपर में क्या क्या आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि पेपर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये UPMSP वेबसाइट पे है। यदि इस पेपर को आपको देखना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके इस PDF को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से पेपर आया हुआ है। तो कैसे आपको तैयारी करनी है, सेक्शन ए में क्या करना है, सेक्शन बी में क्या करना है, और सेक्शन सी में क्या करना है, सेक्शन डी में क्या करना है, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो सेक्शन ए से होगा, जो रीडिंग होगा। टोटल मार्क्स 15 होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1-1 नंबर का, 3 नंबर का 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है बहुत ही केयरफुल्ली से, और उसके बाद ही इसके आंसर को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैन इज ग्रेगारियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, हिज नेबर आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। कुछ इस प्रकार से ये पैराग्राफ दिया गया है, इसे आप बहुत ही क्लोजली से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, इसे रीड करेंगे, उसके बाद ही इसके आंसर को लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते समय क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं, इसको हम बताते चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रीगेरियस एनिमल। सिंपली आपका इसका आंसर जो होगा, मैन इज ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, हिज नेबर आर द पीपल हु आर इमिडिएट। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से इसको कॉपी टू कॉपी लिख देते हैं, ठीक है, हूबहू उस वर्ड को कॉपी कर देते हैं, और ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जब भी आंसर लिखते हैं तो उसमें कुछ नयापन डालें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 या 3 लाइन में, 3 या 4 लाइन में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में इसका आंसर दे देते हैं, तो ये आपका एरर है, इसे आप सुधारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स। उसके बाद है, सी हाउ इज लविंग आवर नेबर इक्वल टू गॉड। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं। जो ई वाला क्वेश्चन है ये ऑप्शनल होगा, ये वोकैब से पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ई में 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो 1-1 नंबर के दिए जाएंगे। निश्चित रूप से इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं जिसमें आपको सुधारना होगा उस चीज़ को, ठीक है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन क्लोजनेस। क्लोजनेस पूछा जा रहा है, कौन सा वर्ड क्लोजनेस का सेम वर्ड होता है, इस पैराग्राफ से ढूंढ कर देना, यानी आपको अपने तरफ से नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, जैसा कि हम जानते हैं क्लोजनेस मीन्स होता है नज़दीकी, है ना। तो क्लोजनेस, क्लोज से बना हुआ क्लोजनेस, तो फिर इसका मीन, इसका जो आंसर होगा वो हम कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं एक ही वर्ड में, जबकि ये 1 नंबर है, तो हमें 1 नंबर गेन करने के लिए हमें किस तरह से लिखना होगा ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो हम अगर इसके पैराग्राफ पे अगर आते हैं तो इसका एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, जब हम इसको रीड करते हैं तो एक वर्ड देखते हैं, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्थान या समय की दृष्टि से नज़दीकी, ठीक है। तो इसका आंसर प्रॉक्सिमिटी होगा, जब हम इसको पढ़ेंगे तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। इसके लिए वोकैब बहुत ही ज़रूरी होता है कि अधिक से अधिक आप वर्ड याद कर लें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रॉक्सिमिटी अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर हम कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। तो हम जब भी इसको लिखेंगे तो लिखेंगे प्रॉक्सिमिटी इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, या प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस। कम से कम इतना बना के आप लिखें, तभी आपको 1 नंबर इसमें दिया जाता है। डायरेक्ट हम प्रॉक्सिमिटी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमें इसे एक अच्छा रूप देना होगा और अच्छे से इसको करना होगा तो हमें 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें हम पूरा लिखेंगे, पूरे वर्ड के साथ लिखेंगे, प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस। कुछ इस प्रकार आप इसको, इसके आंसर को मेंशन करेंगे। अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफेन।
ऑफेन का अपोजिट इस पैराग्राफ में क्या है? ठीक है, तो ऑफेन मीन्स होता है प्रायः, तो इसका जब भी आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो इसका आई थिंक रेयरली होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे इस पैराग्राफ को तो रेयरली आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेयरली आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, रेयरली RARELY रेयरली, तो इसका आंसर होगा रेयरली। अपोजिट वर्ड पूछा गया, ऑफेन का अपोजिट वर्ड रेयरली होगा, इसे भी इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, तो लिखेंगे रेयरली इज अपोजिट ऑफ ऑफेन, कुछ इस प्रकार इसके आंसर को हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स, एट हैंड का मतलब क्या होता है? एट हैंड मीन्स होता है वैसे अवेलेबल। स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से आप आंसर सेक्शन ए रीडिंग वाला करेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन इसको लिखेंगे, क्योंकि ये 15 नंबर का होता है और 15 नंबर आप यूं ही ना गवाएं, इसमें समय दें, बेहतर से करें तो बेहतर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी पर, राइटिंग पर। राइटिंग में दो क्वेश्चन आएंगे, पहला होगा आर्टिकल और दूसरा होगा लेटर, किस तरह से लिखना है सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका आर्टिकल का होगा, जो तीन आर्टिकल दिए जाएंगे, जैसा कि आपके इस मॉडल पेपर में जो UPMSP वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है या पहले से ही मौजूद है, इसमें तीन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से करना आपको एक ही होगा। आर्टिकल मीन्स ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को बहुत सारी डाउट है कि सर हेडिंग डाल के लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में पहले क्या होता था, ऐसे दिया जाता था और उसके साथ साथ उसकी हेडिंग्स भी दी जाती थी और स्टूडेंट उसको बनाकर लिखते थे। ठीक है, लेकिन आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में भी आप सेम वही चीज़ करेंगे लेकिन कम्प्लीटली हेडिंग डालकर आप इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो टॉपिक हो, जिस टॉपिक को आप लिख रहे हो, उसमें ये चीज़ दिखना चाहिए कि आपने उस आर्टिकल को स्टार्टिंग वे कैसे दिया, एंडिंग वे किस तरह से दिया। शॉर्ट में कहें तो आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जैसा ही दिखना चाहिए। हेडिंग हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट आपका जो टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखना चाहिए। आप जब भी आर्टिकल लिखते हो तो पहले उसके बारे में बताएं, उसकी प्रस्तावना के टॉपिक पे अपनी बातों को लिखें, फिर लाइन छोड़ दें। जब भी दूसरी टॉपिक आप एक्सप्लेन करें पैराग्राफ छोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में निष्कर्ष जरूर डालें, कंक्लूजन डालें, इस तरह से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि यही पेपर में आया हुआ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको तैयार कर सकते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, आप इसे भी तैयार कर सकते हैं, इन तीनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कहा जाए तो माई प्लान फॉर फ्यूचर, ये कई तरीके से आता है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि ऐसे वही होता है लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कुछ नए तरीके से उसको दे दिया जाता है और स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एम ऑफ लाइफ आपने तैयार किया है, आपका वही चीज़ यहाँ पे है, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तीनों तो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ और भी है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि पहला हमने लिखा है वुमेन इन इंडिया, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा जो टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में बेरोजगारी, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आप इसे भी तैयार करेंगे। तीसरा है डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम में दहेज प्रथा, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। साइंस ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके आंसर अभी हम वीडियो के अंत में दे देंगे, इन सारे एसेस के जो टॉपिक्स हैं इसका पूरा एसे हम दे देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इमारत के बारे में पूछा जाएगा, अब उसमें ताजमहल,
कोई भी ऐतिहासिक इमारत आ सकता है, कभी कभी द ताजमहल भी दे देता है। अगर आप एक टॉपिक याद कर लेते हो तो उस टॉपिक से कई टॉपिक्स आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लेंगे। इसका जो आंसर है, इसका जो टॉपिक, इसका जो आर्टिकल होगा, हम वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम कोविड-19 को रख रहे हैं, मे बी आ सकता है क्योंकि नया है, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। टोटल हमने 8 टॉपिक दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, मे बी आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है लेटर का आता है, इसमें कुछ गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझना होगा, क्या गलतियाँ आप करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए लेटर जो होते हैं, इसमें दो तरीके का लेटर होता है। पहला होता है लेटर टू एडिटर, पहला जो लेटर होगा वो एक एडिटर के लिए आएगा, न्यूज़पेपर एडिटर के लिए, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जाता है, या वो प्रिंसिपल के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो कंप्लेंट लेटर होता है, शिकायत लेटर होता है, ठीक है। तो लेटर को हम कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वार्स, ये एडिटर के लिए आया हुआ है। और दूसरा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट जानकारी के लिए बता दें, लेटर दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है कैसा होता है, इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मल लेटर किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, यानी ये किसी सरकारी व्यक्ति या किसी एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है, या बैंक मैनेजर को, या स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। वहीं इनफॉर्मल की अगर बात करें तो ये किसी सिंपल में अगर कहें फॉर्मल लेटर, तो ये किसी भी टाइप के ऑफिशियल व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और वहीं जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो किसी करीबी दोस्त या पेरेंट्स, जैसे मम्मी पापा को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये चीज़ें होती हैं। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फॉर्मल लेटर का सबसे ऊपर एड्रेस होता है, एड्रेस के नीचे आप टू लिखेंगे, उसके बाद जिसको लिखना है द एडिटर या द प्रिंसिपल, उसके बाद उसके नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। फिर बीच में थोड़ी सी गैप छोड़ेंगे, वहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट बहुत लेंदी आपको नहीं लिखना है, बहुत कम वर्ड में एक्सप्लेन कर देना है कि हम इस लेटर में क्या लिखने वाले हैं या क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लाइन में इसको लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं लेटर के मेन बॉडी पर। मेन बॉडी को आपको 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, जो भी बातें आपको लिखनी हो उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर नीचे कंक्लूजन डालेंगे, फिर नीचे अपना योर सिंसियरली जो भी लिखते हैं एक्स वाई जेड। अगर एग्ज़ाम में है, बोर्ड की एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं, तो अपना नाम डिटेल नहीं देंगे। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर रागिनी या राहुल, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अपना नाम वहाँ पे डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है, और अगर नहीं दिया है तो आप अपना कोई भी डिटेल कहीं भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। योर नेम, योर सिंसियरली, उसके नीचे एक्स वाई जेड या ए बी सी, और नीचे डेट डाल देंगे। इस तरह से आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और वहीं दूसरा जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो किसी करीबी दोस्त या पेरेंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें हम गलतियां करते हैं, कभी कभी हम फॉर्मल को इनफॉर्मल की तरह लिख देते हैं, डियर टीचर, डियर प्रिंसिपल, कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, तो ये गलती है, इसको आप इम्प्रूव करें, ऐसी चीज़ों को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, ऊपर एड्रेस डालेंगे, पहले एड्रेस अपने जहाँ आप रहते हैं उस जगह का आप एड्रेस लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे डियर मोहन, अगर दोस्त को लिख रहे हैं डियर मोहन, किसी के अपने माँ या पिता को लिख रहे हैं तो आप मदर या फादर लिख सकते हैं, डियर फादर, डियर मदर। फिर हम लेटर का मेन बॉडी, मेन प्लॉट, मेन कंटेंट को तैयार करेंगे, फिर नीचे कंक्लूजन वाली लाइन लिखेंगे, उसके नीचे फिर एड्रेस, योर सिंसियरली या योर फेथफुली,
कुछ इस प्रकार हम मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद ही इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो लेटर जो होगा आपका 10 नंबर का इंटरमीडिएट में पूछा जाएगा और आर्टिकल भी 10 नंबर का आएगा, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको इसको करना होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।